जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और सब्सक्राइब वाले रेड बटन को आप क्लिक कर दीजिए तो महामना इंस्टीट्यूट के आप पार्ट बन जाएंगे। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बतावें भी, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। और क्वेश्चन नंबर टू में दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर जो सिचुएशन दिए गए हैं उन सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है और फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ है। एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये एरिया आपको दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट्स इन मीटर, प्लॉट का जो लेंथ है वो मीटर में है, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इस इट्स ब्रेथ। अब जरा ध्यान से देखें, हम सपोज कर लेते हैं कि इसका जो ब्रेथ है वो एक्स मीटर है, तो आपसे लेंथ के बारे में बताया है कि लेंथ जो है वन मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का ट्वाइस कर दिया जाए और उसमें वन ऐड कर दिया जाए तो यह रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ हो जाएगा। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया एक्स मीटर, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हम इस प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना चाहते हैं। तो फाइंड नहीं करना है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि हम फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड कर नहीं रहे हैं, तो फाइंड करना चाहते हैं इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने के लिए देखिए एरिया दिया हुआ है, हमको लेंथ मालूम हो गया है, सॉरी ब्रेथ मालूम हो गया है और लेंथ भी मालूम हो गया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। हम मान लेंगे कि प्लॉट का जो ब्रेथ है इज इक्वल टू एक्स मीटर, देन लेंथ हो जाएगा 2x+1। यू नो दैट लेंथ यल है एंड ब्रेथ बी है, L इंटू बी इजकल टू एरिया होता है। और देखिए लेंथ की वैल्यू हम रखते हैं 2x+1 है और B की वैल्यू x है और A की वैल्यू 528 है। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे x का, तो ये हो जाएगा 2x² + x और ये इजकल टू है 528। अब 528 को अपोजिट साइड में ला देंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका 2x² + x - 528 इक्वल टू 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही केवल फाइंड करना था, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सिचुएशन फर्स्ट, यही आपका आंसर होगा। यहाँ हमको सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा है, अगर लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए कहता तो हम इसको सॉल्व करते और सॉल्व करके यक्स की वैल्यू निकालते तो यक्स जो है ब्रेथ हो जाता और यक्स की वैल्यू इसमें रख देते तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ मिल जाता। लेकिन हमको या हमसे सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा है, केवल इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लिए, अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे।
चलिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट। और क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिकेटिव को हिंदी में कहते हैं क्रमागत, क्रम से आने वाला, क्रम से आने वाला। जैसे मान लीजिए टू के बाद थ्री आता है, फोर के बाद फाइव आता है, सिक्स के बाद सेवन आता है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हम उन इंटीजर को फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लिख देंगे लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर यक्स एंड एक्स प्लस वन रिस्पेक्टिवली। लेट टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स और एक्स एंड एक्स प्लस वन respectively, अब चले जरा ध्यानपूर्वक देखें। हम मान लिए हैं कि x और x plus 1 टू consecutive इंटीजर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive इंटीजर, इन consecutive इंटीजर का प्रोडक्ट यानी x into x plus 1, और ये कितना है बाबू, ये जो है 306 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व कर देना है, चलिए सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजकल टू 306। अब 306 को अपोजिट साइड में ला दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इजकल टू 0। ये आपका आंसर रहा। आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फाइंड कर लेंगे, हमें सॉल्व नहीं करना है। हमको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नहीं फाइंड करना है, हमको यक्स और एक्स प्लस वन की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करना है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लिए और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड पार्ट दिया हुआ है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की जो मदर है उनका एज रोहन के एज से 26 ईयर मोर है, ओल्डर है। और फिर देखिए क्या दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। क्वेश्चन अभी आपसे कहा जा रहा है कि रोहन के माँ का जो एज है वह रोहन के एज से 26 ईयर एल्डर है। अब आपसे कह रहा है कि अब से आफ्टर थ्री ईयर, अब से तीन साल के बाद दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हम रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड करना चाहते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज यक्स ईयर्स, नोट कर लेंगे लेट प्रेजेंट एज एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज यक्स ईयर्स, यक्स ईयर्स एंड हिज मदर एज, मदर एज क्या हो जाएगा, मदर्स एज, उसकी मम्मी 26 ईयर ओल्ड है तो क्या हो जाएगा x प्लस 26 हो जाएगा, x प्लस 26 हो जाएगा। रोहन का एज x ईयर है और उसकी मम्मी उससे 26 ईयर बड़ी है, तो ये हो जाएगा x प्लस 26 ईयर्स। अब कह रहा है अब से आफ्टर थ्री ईयर्स, आफ्टर थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से तीन साल बाद, तो देखते हैं अब से तीन साल बाद रोहन हो जाएगा x प्लस थ्री ईयर का और उनकी मम्मी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस थ्री यानी x प्लस 29 ईयर्स का। अब लिखते हैं आफ्टर आफ्टर थ्री ईयर्स,
आफ्टर थ्री ईयर्स रोहन्स एज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा. रोहन का एज होगा एक्स प्लस थ्री ईयर्स हो जाएगा और मदर्स एज उसके मदर का जो एज होगा हिज मदर्स एज ये हो जाएगा एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स प्लस थ्री क्योंकि प्रेजेंट एज एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स है और तीन साल के बाद उसमें थ्री ऐड हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन ईयर्स. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन में दिया है कि अब से तीन साल बाद रोहन और उसकी मम्मी के एज का जो प्रोडक्ट है वह 360 है. तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 3 and x plus 29 is equal to 360 दिया हुआ है. हाँ 360 है. अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. तो फिर देखिए x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा. x का x में x स्क्वायर. अब x का 29 में तो ये हो जाएगा 29x. फिर x का 3 में करेंगे 3x और फिर 3 का 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 87. ये हो जाएगा 87 इक्वल टू 360. और फिर इसको सॉल्व करते हैं. ये हो गया x स्क्वायर 29 प्लस 3 ये हो जाएगा 32x और प्लस हो जाएगा 87 माइनस 360 इक्वल टू जीरो. अब इसको माइनस कर दीजिए 87 माइनस 360 कर दीजिए. फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x और ये माइनस हो जाएगा 87 माइनस 360 273. ये हो गया 273 सही है ना. 273 इक्वल टू जीरो. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करना था. ठीक है फिर आगे देखते हैं. देखा जाए क्वेश्चन नंबर टू का जो फोर्थ पार्ट दिया हुआ है. फोर्थ पार्ट में दिया है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. देखिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर्स है. ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है. ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर्स है और ये ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है. तो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है. हम सपोज कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ लिख ले सकते हैं क्योंकि लास्ट में आपसे कहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज यक्स किलोमीटर पर आवर. अब जरा ध्यान से समझिए. तो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है. तो अब ऐसे देख लीजिए कि ट्रेन की स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है. अब देखें द टाइम टेकिंग बाय ट्रेन. ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लिया जा रहा है. तो द टाइम टेकन बाय द ट्रेन लिख देंगे यहाँ. द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इजकल टू टाइम इजकल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है. डिस्टेंस है 480 और स्पीड है यक्स. तो इतना आवर हो जाएगा. अब फिर देखें आगे क्या आपसे पूछा जा रहा है. ये तो हम लोग निकाल लिए हैं
कि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है 480 किलोमीटर है और ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो ए से बी तक जाने का जो टाइम होगा वो 480 अपॉन x आवर होगा। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस, अब स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो स्पीड थी x, अब यह 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई, तो 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई तो अब जो स्पीड होगा वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगा। पहले स्पीड x किलोमीटर पर आवर थे, अब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गए, तो स्पीड कम हो गई, तो अब स्पीड हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। देन इफ वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो जब स्पीड कम हो जाती है तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो अब टाइम क्या हो जाएगा, पहले वाले टाइम को हम t1 मान लेते हैं और बाद वाले टाइम को, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ है, डिस्टेंस वही है 480 और स्पीड चेंज हो गया है, ये हो गया x माइनस 8, तो इतना आवर हो जाएगा। अब ज़रा देखिए आप, पहले स्पीड ज़्यादा थी, ध्यान दीजिएगा, पहले स्पीड ज़्यादा थी तो टाइम कम लगेगा, और जब स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ द टाइम इज 3 आवर्स, टाइम का जो डिफरेंस है वो 3 आवर है, तो इसका मतलब कि t2 माइनस t1 जो होगा वो 3 आवर होगा। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि जब स्पीड कम हो जाती है तो अब जो टाइम लग रहा है पहले के टाइम से 3 आवर्स मोर लग रहा है, 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है, तो ये बाद वाला टाइम t2 है, जब स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, t2 में से t1 को हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 3। t2 की वैल्यू है 480 अपॉन x माइनस 8, माइनस t1 की वैल्यू है 480 अपॉन x, और ये हो जाएगा आपका 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, अब हम चाहते हैं तो 3 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, देखो यहाँ 3 है, ये 480 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से 140 को डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160 अपॉन x माइनस 8 माइनस 160 अपॉन x इजकल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 160 हम कामन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इजकल टू 1। अब फिर इसको सॉल्व करिए, तो ये हो गया 160 एलसीएम ले लीजिए x माइनस 8 और x का, तो ये हो जाएगा x और x माइनस 8, x माइनस 8 से डिवाइड कीजिए x आएगा, ये हो गया x माइनस x से डिवाइड कर दीजिए तो x माइनस 8 हो जाएगा, और ये इजकल टू हो गया 1। फिर सॉल्व करते हैं, देखो माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, अब ये हो गया आपका 160 इंटू 8, और देखिए x इंटू x माइनस 8 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो गया आपका x x माइनस 8। अब जो है 160 का 8 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 160 का 8 में मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या मिलता है, बताइए कितना होगा, यहाँ ये जो है x स्क्वायर माइनस 8x, तो 160 का 8 में मल्टीप्लाई करके जल्दी बोलिए कितना आ रहा है, तो अब ये हो जाएगा आपका 1280, फिर इसको इधर ला देते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा। और इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट थे, और ये 4 पार्ट आपको सॉल्व होते हैं, हमें उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।
अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आप सबको अगर अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पे जा करके महामना इंस्टीट्यूट को सर्च करिएगा, और फिर सब्सक्राइब वाले रेड बटन को आप क्लिक कर देंगे तो महामना इंस्टीट्यूट के चैनल से आप जुड़ जाएंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छी तरह से इसको समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।